अगर मुस्लिम ही है तो उसको थोड़ी कोई डिफेंड करेगा, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। गांधी के असहयोग आंदोलन से भी ज्यादा खूंखार तरीके से काम करता है, सारे बैंक दिवालिया हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। कट्टर बनना तो जाइए अपने अपने जात के हिसाब से काम कीजिए, यही तो वर्ण राष्ट्र बना रहा है। कानून व्यवस्था बढ़िया है तो ये घटनाएं क्यों घट रही है? गिरफ्तारी हो गई है लखीमपुर खीरी में, और मुझे लगता है गिरफ्तारी के साथ साथ स्पीडी ट्रायल होना बहुत जरूरी है। आखिर हाथरस केस वाले में क्या हुआ अभी तक? तो गिरफ्तारी तो होगी, क्रिमिनल तो पकड़े ही जाएंगे, उसको पकड़ना भी चाहिए, लेकिन गिरफ्तारी के अलावा उसका स्पीडी ट्रायल भी होना चाहिए, और जो पीड़ित है उसको जिससे कि इंसाफ मिल सके। ज़्यादातर ऐसे केसेस में पीड़ित जो है कमज़ोर वर्ग के होते हैं, आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से भी कमज़ोर वर्ग के होते हैं, लंबा प्रोसीडिंग चलने में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। दूसरा, लोग डराते धमकाते भी तोड़ते भी हैं, गवाहों को तोड़ते हैं, साक्ष्य मिटाते हैं, तमाम ये सब पॉलिटिक्स चलता रहता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि स्पीडी ट्रायल उसका होना चाहिए, उसको त्वरित न्याय मिलना चाहिए। क्यों मुस्लिम अपराधी, अगर मुस्लिम है तो क्यों शांत होगा? अपराधी अपराधी है। मैंने वीडियो मेरे यूट्यूब पे नहीं चला है, चला है ना उस पे कि अपराधी अगर है तो जात भी आना चाहिए, सबका जात और धर्म एकदम क्लियर पता होना चाहिए कौन लोग हैं। इसका पूरा डेटा क्राइम जो ब्यूरो है वहां से डेटा निकालना चाहिए। इसमें मुसलमान होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? अगर मुस्लिम ही है तो उसको थोड़ी कोई डिफेंड करेगा, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। जाहिर है दलित आसान टारगेट है, वो बाबा साहब को पढ़िए, वो बहुत पहले लिख चुके थे कि जब उस पर हमला होता है ना तो उसको बचाने वाला जो है ना कोई बदला लेने वाला भी नहीं होता है ना बचाने वाला होता है। और ज़्यादातर जो दलित है वो खेतिहर मजदूर हैं। अगर किसी सवर्ण को लगता है कि ये दलित जो है विद्रोही हो गया है, विद्रोही मतलब ना हक मांग रहा है, वो तो खाली अपना वेतन पूरा मांग लेगा तभी लोग बोले विद्रोही हो गया। तो जब लगता है कि विद्रोही हो गया है तो सबसे पहले उसका राशन पानी बंद कर देता है, राशन पानी बंद कर देता है, और कहते हैं कि यह असहयोग, ये बहिष्कार जो है ना, गांधी के असहयोग आंदोलन से भी ज़्यादा खूंखार तरीके से काम करता है, चलने नहीं देता अपने खेत में, सामान नहीं देगा, बहिष्कार कर देगा। तो इसीलिए ना इजी टारगेट है, क्योंकि उसका संसाधन नहीं है। तो ये सवाल का तो जवाब मांगना चाहिए था सरकार के जो प्रवक्ता है उनसे मांगना चाहिए था, बीजेपी आरएसएस से मांगना चाहिए था कि आप कानून का राज लगा रहे हैं और इधर 15 तारीख को लाल किला में बैठ के जो है भाषण दे रहे हैं महिलाओं के ऊपर, और उधर जो है चुपके से जो है वो जितने उसमें क्रिमिनल थे सब उधर छोड़े जा रहे हैं, उनको माला पहना के मिठाई खिला के फूल भी पहनाया जा रहा है। तो ये तो जो कॉन्ट्रडिक्शन है, द्वयम चरित्र है उनका, स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है ना। अब आपको चीता दिखाया जा रहा होगा, ये आप लोग इसमें बहस ही मत कीजिए। ये मोदी जी कुछ भी बात जो है वो ऐसे नहीं करते हैं, सब प्लान्ड होता है कि आप रोजगार पे बात नहीं करो, आप महंगाई पे बात नहीं करो, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करो, इस तरह जो वायलेंस हो रहा है उस पर बात नहीं करो, चीता देखो, तो एजेंडा वो सेट करते हैं और आप लोग रिएक्ट करते हैं। मैं तो इन सवालों पर लिखता भी नहीं कभी। देश की जनता को क्या फर्क पड़ा? पूरी देश की जनता का खून चूस के वो दो नंबर पे पहुंचे हैं, और उनका जितना जो दिखा रहा है मार्केट वो कोई बनाए थोड़ी है कुछ, होता सब शेयर मार्केट का अप एंड डाउन से चल रहा है। जिस दिन शेयर मार्केट टूटेगा ना ढहेगा, जिस दिन शेयर मार्केट ढहेगा आप समझ लो देश की जनता का करोड़ों रुपया लोन ही लिया हुआ है ना, सारे बैंक दिवालिया हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। अच्छी बात है ना, सबको यात्रा करनी चाहिए, यात्रा कभी अनफिट थोड़ी होता है, उसमें एजेंडे पे बहस होनी चाहिए, एजेंडे पे बहस होनी चाहिए। भारत यात्रा के साथ साथ क्या क्या एजेंडे होंगे इसमें बहस हो रही है सर, इसीलिए उस ट्रैप में मत फंसिए। बार बार चीता बिल्ली मुर्गी सब दिखाएगा, इसमें फंसने का नहीं है, वो आपको आपके रियल मुद्दों से जो है ना डेविएट कराना चाहता है। ठीक है, बढ़िया है, देखते हैं ना, अब चुनाव तो आ ही रहा है। सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी के प्रोफेसर के लिए वैकेंसी दिखा नॉट फाउंड सुटेबल, मतलब 60% आबादी वाला एक भी सुटेबल आदमी नहीं है, कट्टर हिंदू ओबीसी। सिर्फ यहाँ पे होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर सुटेबल है। बात मेरी समझ गए?
प्राइम मिनिस्टर सुटेबल है और एजुकेशन मिनिस्टर सुटेबल है सर, दोनों। अब कह तो रहे आरएसएस बोला कि प्रधानमंत्री बना दिया, आप प्रोफेसर बन के क्या करोगे? प्रधानमंत्री एचआरडी मिनिस्टर सब बना दिया, अब राइट्स ले क्या करोगे प्रोफेसर होके? तो इसलिए एकदम ताल ठोक के यहाँ मंत्रालय और प्राइम मिनिस्टर और एचआरडी मिनिस्टर के नाक के नीचे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनएफएस हो रहा है। कट्टर बनना तो जाइए अपने अपने जात के हिसाब से काम कीजिए, यही तो वर्ण राष्ट्र बना रहा है बीजेपी आरएसएस। वर्ण राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र नहीं, ये वर्ण राष्ट्र बन रहा है ये। हाँ, रोज नया वर्ड चलता है, वर्ण राष्ट्र बन रहा है इसमें। इसमें अपने अपने वर्ण के हिसाब से आपको अपना ड्यूटी काम करना पड़ेगा। हिंदुओं के लिए क्या काम होगा राष्ट्र में? तो कोई सब्जी उगाएगा, कोई खेत मकई उगाएगा, कोई भैंस पालेगा, कुछ इसी तरह काम होगा, कोई शिकार करेगा, मछली पकड़ेगा, और क्या करना है? और कट्टर एक को राजा बना देगा, बाकी सबको लगा देगा इसमें।